हेलो फ्रेंड्स ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 ये बेस्ड एरिया आप सिमिलर ट्रैंगल्स पे सो हमें ये थेरम पता होना चाहिए जब दो ट्रैंगल सिमिलर होते तो उन ट्रैंगल के एरियाज़ का रेशो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स के रेशो के बराबर होता है सो so, इस थ्योरम के बेस पर हमें सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करना है तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन इस क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्रैंगल्स हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है थ्री टू फाइव एंड हमें उनके एरियाज़ का रेशियो फाइंड करना है तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं लेट ट्रैंगल वन एंड ट्रैंगल टू आर सिमिलर ट्रेंगल्स सो यहाँ पे ट्रेंगल वन एंड ट्रेंगल टू ये सिमिलर ट्रैंगल्स है देयर फोर अकॉर्डिंग टू थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल इनके रेश होंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल टू इज इक्वल टू साइड वन स्क्वेयर अपन साइड टू स्क्वेयर सो यहाँ पे एस वन एंड एस टू ये ट्रैंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स है यहाँ पे एस वन की वैल्यू है थ्री एंड एस टू क्यू एलेवे फाइव सो थ्री का स्क्र होता है नाइन एंड फाइव का स्क्वेयर होता है ट्वेंटी फाइव देयर फोर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज नाइन इज टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर टू इस क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्रेंगल गिवन है ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर इन उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू टू इज टू थ्री और हमें नीचे उनके एरियाज़ का रेशो गिवन है जिसमें कुछ ब्लैंक बॉक्सेस है जो हमें फिल करना है सो हमें पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है सो यहाँ पे ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू सो इस बॉक्स में आएगा पी क्यू का स्क्वायर सो यहाँ पे टू का स्क्वायर होता है फोर एंड थ्री का स्क्वायर होगा नाइन क्वेश्चन नंबर थ्री इस क्वेश्चन में भी दो सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है एटी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है वन ट्वेंटी फाइव नीचे इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशो गिवन है और कुछ ब्लैंक बॉक्सेस है जो हमें फिल करना है तो इस खाली जगह पर आएगा ट्रैंगल पी क्यू आर सो हमें पता है जब दो ट्रैंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर के रेशे के बराबर होता है यहाँ हमें ए बी अपन पी क्यू की वैल्यू निकालना है सो so, इन ट्रायंगल के एरियाज़ का रेशा होगा ए बी स्क्र अपन पी क्यू स्क्र ये बराबर है ए टी अपन वन ट्वेंटी फाइव के सो इसे हम इस प्रकार से लिख लेते ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू फाइव अपन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव स्क्वेयर रूट लेंगे तो यहाँ पे होंगे ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन इंटू फाइव अपन ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव सो यहाँ पे फाइव फाइव ये कट जाएगा सिक्सटीन का स्क्वेयर रूट होता है फोर एंड ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट होता है फाइव सो so, यहाँ पे ए बी अपन पी क्यू का रेशो मिला है फोर अपन फाइव क्वेश्चन नंबर फोर इस क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्रायंगल है एलेमेन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन गिवन है साइड क्यू की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी और हमें एम की वैल्यू फाइंड करना है तो चलिए सोल्यूशन है देखते हैं यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल के बीच का रिलेशन गिवन है नाइन इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू सिक्सटीन इंटू एरिया ऑफ ट्रैंगल एलेवेन सो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं एरिया ऑफ़ ट्रायंगल पी क्यू आर अपन एरिया ऑफ ट्रैंगल एलेवन इज इक्वल टू सिक्सटीन अपन नाइन यहाँ पे हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन है एंड एम एन की वैल्यू फाइंड करना है सो so, यहाँ पे इन ट्राइंगल के एरियाज़ का रेशा होगा क्यू आर का स्क्यर अपन एम एन का स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन नाइन इसे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं क्यू आर अपन एम एन का होल स्क्र इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन नाइन स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर अपन एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्सटीन अपॉन नाइन सो यहाँ पे हमें मिलेगा क्यू आर अपन एम एन इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री यहाँ पे हमें क्यू आर की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी एंड एम एन हमें फाइंड करना है सो so, यहाँ पे क्यू आर का जगह पुट करेंगे ट्वेंटी तो ये हो जाएगा ट्वेंटी अपन एम एन टू फोर अपान थ्री सो यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू थ्री इज टू एम एन इंटू फोर इस फोर को हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं सो so, ये हो जाएगा ट्वेंटी इंटू थ्री अपन फोर इज इक्वल टू एम एन इस फोर से ट्वेंटी फाइव टाइम्स पे कट जाएगा फाइव इंटू थ्री होता है फिफ्टीन सो यहाँ पे हमें मिलेगा फिफ्टीन इजिकल टू एम एन देआर फोर एम एन इज इकल टू फिफ्टीन सो यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर फाइव इस क्वेश्चन में दो सिमिलर ट्रैंगल्स है जिनका एरिया गिवन है टू ट्वेंटी फाइव इन एटी वन स्क्वेयर सेंटीमीटर स्मॉलर ट्रैंगल की साइड गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर इन कॉरस्पॉन्डिंग बिगर ट्रैंगल की साइड हमें यहाँ फाइंड करना है तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं ट्रेंगल वन एंड ट्रेंगल टू ये सिमिलर ट्रेंगल है यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रेंगल वन एंड ट्रेंगल टू यही नाम दे हम इन ट्रेंगल्स को ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल पी क्यू आर कोई भी नाम दे के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल वन गिवन है टू ट्वेंटी फाइव स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेंगल टू गिवन है एटी वन स्क्वेयर सेंटीमीटर देअर फोर ट्रेंगल वन इज बिगर एंड ट्रेंगल टू इज स्मॉलर ट्रगल सो यहाँ पे ट्रेंगल वन का एरिया बड़ा होने की वजह से ट्रेंगल वन ये बिगर ट्रैंगल है एंड ट्रेंगल टू ये स्मॉलर ट्रेंगल है साइड ऑफ स्मॉलर ट्रेंगल गिवन है ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ बिगर ट्रेंगल हमें यहाँ फाइंड करना है देयर फोर अकॉर्डिंग टू थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल रेशियोज होंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल टू इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्रेंगल का स्क्यर अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रैगल का स्क्यर सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैंगल वन है टू ट्वेंटी फाइव एरिया ऑफ ट्रैंगल टू है एटी वन साइड ऑफ बिगर ट्रैगल हमें फाइंड करना है एंड साइड ऑफ स्मॉलर ट्रैंगल है ट्वेल्व सेंटीमीटर सो यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव इंटू टा स्क्यर अपॉन एटी वन इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्रैंगल का स्क्यर सो यहाँ पे स्क्र रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट अप टू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व का स्क्वायर अपॉन एटी वन टू ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट है फिफ्टीन एंड ट्वेल्व का स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे मिलेगा ट्वेल्व एंड एटी वन का स्क्वेयर रूट होता है नाइन थ्री से फिफ्टीन फाइव टाइम्स में एंड नाइन थ्री टाइम्स में कट जाएगा और ये थ्री ट्वेल्व में फोर टाइम्स में कट जाएगा सो यहाँ पे मिलेगा फाइव इंटू फोर फाइव इंटू फोर होता है ट्वेंटी देयर फोर साइड ऑफ बिगर ट्रैंगल इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर सो यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी एफ ये इक्विलेटर ट्रैंगल्स हैं इफ़ एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रैंगल डी एफ का रेशियो वन इज टू तो टू है एंड ए बी की वैल्यू फोर ये गिवन है एंड डी ई की वैल्यू हमें यार फाइंड करना है तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी एफ आर इक्विलेटर ट्रैंगल्स सो यहाँ पे ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी एफ ये इक्विलेटर ट्रैंगल्स है इक्विलेटर ट्रैंगल्स के सारे एंगल इक्वल होते हैं देयर फोर फ्राम ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी एफ ये सिमिलर ट्रैंगल होंगे देयर फोर अकॉर्डिंग टू थेरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रैंगल इनके रेशियो हो गए एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रैंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपन डी ई का स्क्वायर सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रैंगल डी एफ का रेशियो गिवन है वन इज टू टू सो यहाँ पे हम लिखेंगे वन अपन टू इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू गिवन है फोर एंड डी ई की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करना है यहाँ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये हो जाएगा वन इन डी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन यानी कि यहाँ होगा सिक्सटीन इंटू टू यानी कि डी का स्क्वायर इज इक्वल टू तो सिक्सटीन इंटू टू टिकिंग स्क्र रूट ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू तो, अंडर रूट सिक्सटीन इंटू टू सो यहाँ पे मिलेगा डी ई इज इक्वल टू तो फोर रूट टू तो. सो यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर सेवन इस क्वेश्चन में भी कुछ ब्लैंक बॉक्सेस दिए गए जिसे फिल कर कर एरिया ऑफ कॉर्डीनेटर डी पी क्यू ये फाइंड करना है तो चलिए सोल्यूशन में देखते हैं सो so, यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें सेगमेंट पी क्यू ये पैराल है सेगमेंट डी ई से एरिया ऑफ ट्रैंगल पी क्यू एफ गीवन है ट्वेंटी यूनिट्स एंड पी एफ बराबर टू डी पी ये देकर रखा है सो so, यहाँ पे अज़ूम किया गया है डी पी इज इक्वल टू एक्स एंड पी एफ इजकल टू टू एक्स सो यहाँ पे डी एफ बराबर होगा डी पी प्लस पी एफ के डी की वैल्यू है x एंड पी की वैल्यू है 2x x एक्स प्लस टू होता है 3x एक्स नाव इन ट्रैंगल एफ डी एंड ट्रा एंगल एफ पी क्यू यह हमें सिमिलर दिखाना है सो यहाँ पे एंगल एफ डी का करस्पांडिंग कांग्राउंड एंगल है एफ पी क्यू एंड एंगल एफ ई डी का करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रोन्ट एंगल है एफ क्यू पी सो बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलेरिटी ट्रैंगल एफ डी एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू सिमिलर ट्रैंगल हो गए जब भी दो ट्रैंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज़ का रेशो उनके करस्पांडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है सो so, इस बॉक्स में आएगा डी एफ का स्क्वायर अपन पी एफ का स्क्वेयर सो यहाँ पे कैलकुलेशन करके रेशो निकाला गया है नाइन टू फोर यानी कि रेशो ऑफ एरिया ट्रैंगल एफ डी ई एंड ट्रैंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू नाइन अपन फोर एरिया ऑफ ट्रैंगल एफ पी क्यू इसे हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैगल एफ डी इज इक्वल टू नाइन अपन फोर इंटू एरिया ऑफ ट्रा एंगल पी क्यू सो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैगल एफ पी क्यू गिवन है ट्वेंटी यूनिट्स सो इस बॉक्स में आएगा ट्वेंटी यूनिट्स फोर से ट्वेंटी ये फाइव टाइम्स पे कट जाएगा नाइन इंटू फाइव हो जाएगा फोर्टी फाइव so, सो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू निकालना है सो so, यहाँ पे बड़े एरिया ऑफ ट्रैगल एफ डी ई में से छोटा एरिया ट्रैगल एफ पी क्यू ये माइनस करना है सो so यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रैंगल एफ डी ई की वैल्यू है फोर्टी फाइव यूनिट्स एंड एरिया ऑफ ट्रैगल एफ पी क्यू है ट्वेंटी यूनिट्स फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी ये होगा ट्वेंटी फाइव यूनिट्स सो फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट फोर सॉल्व करना था आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद